जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव अभी चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि एल्विश पर नोएडा स्थित एक रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई करने का आरोप लगा है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि गिरफ्तार लोगों को 3 नवंबर को सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल से गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से 5 कोबरा सहित 9 सांपों को बचाया गया था। उनके कब्जे से 20 मिलीलीटर सांप का जहर भी जब्त किया गया था। पुलिस एल्विश यादव के संपर्क में है। विजेता एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने मंगलवार देर रात 3 घंटे तक पूछताछ की थी और फिर छोड़ दिया था। बता दें कि एल्विश को वापस मंगलवार को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया था, जिसके लिए पुलिस उनका इंतजार करती रही। एल्विश ने पुलिस को पूछताछ में शामिल नहीं होने की वजह बताई खुद के बीमार होने की, जिसके बाद नोएडा पुलिस एल्विश यादव को पूछताछ के लिए रिमाइंडर नोटिस भी भेज सकती है। डॉक्टर ने उन्हें डेंगू, मलेरिया और CVC की जांच कराने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका इलाज गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि सांपों की तस्करी मामले में अब यूट्यूबर एल्विश यादव के बाद सिंगर फाजिलपुरिया भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस उन्हें भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। बता दें कि फाजिलपुरिया ने इस मामले पर रिएक्ट किया है। आरोपों पर सफाई देते हुए फाजिलपुरिया ने कहा कि अगर पुलिस यह कह रही है कि जहरीले सांपों का इस्तेमाल हुआ है तो इसकी जांच पुलिस कर ही रही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और जहां तक मेरी बात है तो वो जो वीडियो था उसमें मैं जरूर हूं, लेकिन वो मेरे गाने का शूट है, मैं उन पार्टीज में कभी नहीं गया। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार।